उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनको प्रोत्साहित करने के लिए काम किया जा रहा है। युवा कल्याण विभाग द्वारा आज मुरादाबाद के रामगंगा विहार स्थित युवा केंद्र में खिलाड़ियों को खेल सामग्री वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि MLC डॉक्टर जयपाल सिंह बैस ने सभी को बधाई दी और कहा है उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। युवा कल्याण विभाग के सौजन्य से युवक एवं महिला मंगल दलों के पदाधिकारियों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल किटों का वितरण युवा केंद्र मुरादाबाद में माननीय सदस्य विधान परिषद बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक क्षेत्र डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त के करकमलों से किया गया। इस अवसर पर 91 युवक मंगल दलों 82 महिला मंगल दलों को खेल किट वितरित की गई। एक किट में 4 वॉलीबॉल, 4 फुटबॉल, 2 नेट, 2 पंप, 1 स्किपिंग रोप एवं डिस्क स्टैंड आदि है। माननीय MLC ने प्रधानमंत्री के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट पर चर्चा करते हुए ग्रामीण युवाओं को खेलकूद से जोड़ने की अपील की। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस कार्य के लिए युवा कल्याण विभाग की प्रशंसा की। ज्ञान आपके देश भर के लिए दिया गया है और वो स्लोगन है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया के अंतर्गत ही यह सब कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये युवा कल्याण विभाग ऐसा विभाग है जिसका सालाना बजट केवल 5 लाख रुपये है। पहले तो 2 लाख रहता था, प्रयास करके बढ़वाया। हमारी इच्छा रहती है कि 20 लाख सालाना बजट हो, लेकिन वो 5 लाख से 1 लाख भी आगे बढ़ नहीं पा रहा है। इस बात का कष्ट हमको रहता है जब जिला योजना की बैठक रहती है, प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में बजट का एलोकेशन होता है विभाग के अनुसार। लेकिन मैं प्रशंसा करना चाहूँगा चौहान साहब को कि सरकारी बजट तो उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन स्वयं ही अपने प्रयास से ऐसे उद्योगों को, ऐसे मिल्स को अपने प्रभाव से तलाशते हैं और उनसे प्रायोजन कराते हैं। सब चीजें प्रायोजित हैं। किसके लिए है? ग्रामों के लिए है। ये विभाग पूरी तरह से ग्रामों के विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के संचालन के लिए ही है। मैं जब गांव में था, पढ़ता था, मैं भी युवक मंगल दल का सदस्य रहा हूं। ब्लॉक स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं होती थी और रात्रि को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन होते थे और जिला स्तर तक वो कॉम्पिटिशन पहुंचते थे और फिर राज्य स्तर तक जो विजेता और उपविजेता टीमें होती थी वो जाती थी। लेकिन वह क्रम चल रहा है, सतत रूप से चल रहा है। जितने संसाधन हैं उसी के सापेक्ष उनका उपयोग करने का भरसक प्रयत्न और प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर MP सिंह, उप निदेशक पिछड़ा वर्ग श्री सुनील सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री SP सिंह एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी श्री शिव कुमार का सहयोग रहा। अंत में जिला युवा कल्याण अधिकारी श्री नरेश कुमार चौहान ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया तथा युवाओं से ग्राम में समाज सेवा, स्वच्छता एवं ग्राम विकास कार्यों में भी योगदान करें तथा खेलकूद को बढ़ावा दें। बड़े हर्ष का विषय है कि भारत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामों में खेलकूद प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल प्रोत्साहन सामग्री वितरण की जा रही है। विगत 14-15 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रमों पर पूर्ण रूप से विराम लगा हुआ था। 2017 में जब BJP की सरकार आई और माननीय श्री चेतन चौहान जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो हमारे विभाग के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री रहे, उन्हीं के अथक प्रयासों से ये खेलकूद प्रोत्साहन सामग्री का वितरण वर्ष 19-20 से स्टार्ट हुआ है। विगत वर्ष हमने लगभग 221
युवक अवलिक महिला मंगल दलों को पुरस्कार दिया था और इस वर्ष 180 को पुरस्कार देने की योजना है। और ये सभी खेल किट शासन द्वारा यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। इस एक किट में 4 फुटबॉल हैं, 4 वॉलीबॉल हैं, 2 वॉलीबॉल के नेट हैं और 2 इसमें जो फ्लोटिंग पंप होते हैं हवा भरने वाले पंप वो हैं और डीप स्टैंड 2 हैं और 1 इसकी किट रोप है। इस प्रकार ये सामग्री एक किट में दी जा रही है। उद्देश्य यही है कि गांव में जो हमारे युवक हैं, महिलाएं हैं, उनमें खेलकूद के प्रति रुचि बढ़ाना,